दोस्तों 80 के दशक में एक से बढ़कर एक बेहतरीन अभिनेत्रियां रहीं, जिन्होंने अपनी खूबसूरती और एक्टिंग से सभी दर्शकों का दिल जीत लिया। 80 के दशक में बॉलीवुड इंडस्ट्री पर राज करने वाली यह अभिनेत्रियां आज एक साधारण सी जिंदगी बिता रही हैं और इस लिस्ट में नाम शामिल है रीना रॉय का। इन्होंने अपनी फिल्मी करियर में कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया, इसलिए आज भी दर्शक इन्हें याद करते हैं और यह जानना चाहते हैं कि आज रीना रॉय कैसी दिखती हैं, क्या करती हैं और कहाँ रहती हैं। अगर दोस्तों आप भी रीना रॉय के बारे में जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। अभिनेत्री रीना रॉय का जन्म 7 जनवरी 1957 को हुआ था। यह बॉलीवुड इंडस्ट्री की जानी मानी अदाकारा हैं। इन्होंने 1972 से 1985 तक कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया। ये अपने समय की सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली अभिनेत्रियों में से एक थी। आपको बता दें कि इनकी बेहतरीन एक्टिंग के लिए इनको कई अवार्ड से सम्मानित किया गया। अपने फिल्मी करियर के दौरान रीना रॉय ने अपना दिल शत्रुघ्न सिन्हा को दिया। समय के साथ दोनों का प्यार बढ़ता गया, लेकिन अचानक शत्रुघ्न सिन्हा ने किसी और से शादी कर ली और सबको चौंका दिया। लेकिन दर्शक आज भी जानना चाहते हैं कि आखिरकार क्यों शत्रुघ्न सिन्हा ने रीना रॉय को छोड़कर किसी और से शादी कर ली। जब भी दर्शक सोनाक्षी सिन्हा की बात करते हैं तो रीना रॉय का नाम सामने आ जाता है, क्योंकि दोनों का फेस काफ़ी मिलता जुलता है। आज भी दर्शकों को यही लगता है कि सोनाक्षी सिन्हा रीना रॉय की बेटी है। जब शत्रुघ्न सिन्हा ने किसी और से शादी कर ली तो रीना रॉय ने इस गम से उभरने के लिए पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान से शादी कर ली, लेकिन शादी ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई तो रीना रॉय अपनी बेटी को लेकर मुंबई चली आई और इनकी बेटी का नाम सनम है। आज रीना रॉय मुंबई में एक साधारण जिंदगी जीती हैं और काफ़ी मोटी दिखाई देती हैं। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि सोनाक्षी सिन्हा रीना रॉय की बेटी है? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ और ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।